जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन विद एन अदर डे विद एन अदर व्लॉग विद एन अदर रेसिपी। तो आज का व्लॉग बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड्स, जिसमें हम लोग बनाएंगे सैंडविच ब्रेड, रेगुलर ब्रेड, शवारमा ब्रेड, बर्गर ब्रेड और इसके अलावा कॉफी बंस। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन। मिलते हैं आपको सीधा किचन में। शवारमा ब्रेड है, राउंड बंस है, सैंडविच ब्रेड बनाने के लिए आपके पास इस तरह का मोल्ड होना चाहिए। ये 15x4 का है, ठीक है, और इसमें 1200 ग्राम का बॉल आता है। ब्रेड की कॉस्ट को कम करने के लिए आप इसमें बटर की जगह पे घी का एडिशन करेंगे। और अभी आपने क्या करना है कि जो आपने लेना है मोल्ड अच्छे से, इसके अंदर आपने अच्छे से मक्खन लगाना है। हाथ बचा के लगाइएगा, शार्प होती है इसके अंदर। हाँ, यहाँ क्या करेंगे लगा के? तुम्हें मैं ये कहूँ ग्लास को अंदर से भरना है और बाहर से भी भरना है, तुम भर लो। मैंने भी सवाल ही पूछा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बाउल स्क्रैपर की मदद से आपने डो को निकालना है। ना इसकी डो का बता दूं कि आपको इसके डो के तैयार होने का पता कैसे चलेगा। ये देखो बच्चे, जब इसकी डो तैयार हो जाती है ना, तो ये इस तरह से आप इसको स्प्रेड करो। क्यों? ये इस तरह से ना डो आपकी फैलती जाएगी। उंगली क्या करना है आपकी, एक चादर सी बनेगी। और आपने क्या करना है उसके बाद, जब आपका इसका प्रॉपर जाल बन जाएगा ना, फिर आप इसको नरम कर सकते हैं जितना आपको नरम करना है। आपने अगर 900 ग्राम पानी जा रहा है ना, तो आपने सारा 900 एक दफा नहीं डालना, 850 तक डालें, 150 ग्राम फिर डालें, एकदम से सारा पानी डाल देंगे डो बहुत नरम हो जाएगी। जिस तरह जाल दिखाना चाह रही थी वो बन नहीं रहा, तो आप 850 तक डालें, उसकी खूब नीडिंग करें 12 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आपके जब जाल बन जाएगा उसमें आपको जितना नरम उसको रखना है वो आप रख सकते हो। 1200 ग्राम का बॉल ले रही हूँ, एक मिनट नरम। अब आपने इसको ऑयल दीजिएगा थोड़ा सा, इसको राइज होने में ना कम से कम 40-45 मिनट्स लग जाते हैं। इस तरह का आपने एक लोफ बनाना है और इस लोफ को आपने इसके अंदर रख देना है। आपने इस तरह से कवर करना है और 40 मिनट्स के लिए आपने इसको छोड़ देना है। 40 मिनट्स के बाद ये राइस हो जाएगी, तो हम इस पे अपना बाकी काम करेंगे। Falling for you like one falling.